हेलो एवरीवन, सो यहाँ पे नीटिंग के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वर्धमान की रोजमेरी नीटिंग यान। ये पहले से ही गुल्ला जो होता है बना बनाया होता है, ये 100 ग्राम का है और यहाँ पे वो टोटल जो है 4 हैं, तो इन सब के पूरी स्वेटर तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डबल ऊन यूज़ करी है इसलिए मेरे इसमें 2 पैकेट लगे हैं। एक पैकेट में वैसे 4 आ जाते हैं मेनली, तो उसमें आपकी जो स्वेटर है वो बनके तैयार हो जाएगी। और इसका प्राइस 114 समथिंग है एक गुल्ले का। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ नेक, जो इस तरीके का नेक है जो कि बिल्कुल बंद होता है। उसको बनाने के लिए देखिए नीचे से बनाना है आपको, स्टार्टिंग करनी है इस तरह से। आप इसको जितना थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि ये मुझे खोलना पड़ा तो ये थोड़ा सा टाइट हो रहा था इसकी वजह से। तो देखिए नीचे से मैंने इसको स्टार्ट किया है, डबल ऊन में मैंने इसको बनाया है और ये जैसे कि वूल आपको दिख रही है ये वाला कलर मैंने यूज़ किया है। और ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बनाना है जो कि हम पीछे के लिए यूज़ होगा, जो कि हम बाद में स्टिच करके इस कॉलर को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग में बता रही हूँ। देखिए इसका सेकंड पोर्शन है, इसमें जो भी आपके फंदे बचे हुए हैं उनको यूज़ करना है। और पीछे से हमें मैंने 28 यहाँ पे फंदे लिए हैं, तो सेम 28 फंदे मैं पीछे से देखिए इस तरह से हमको ले लेने हैं। आप चाहें तो इसके लिए क्रोशिया की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है फंदे उठाना। तो इस तरह से हम फंदे उठाते हैं। अगर आपको कोई नेक या हम जब भी कोई पॉकेट बनाते हैं तो पॉकेट भी इसी तरह से बनाई जाती है पीछे से फंदे उठा के। देखिए ये मैंने टोटल यहाँ पे 24 फंदे ले लिए हैं पीछे से, जो कि हमारा नेक था, सेम उतने ही लेने हैं हमें, ना ज़्यादा लेने हैं ना कम लेने हैं, बस सेम ऐसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बस सेम हमें ऊपर की तरफ बना लेना है। आप जैसे कि इस तरह इस साइड का पोर्शन बना हुआ है हमारा, सेम हमें नेक्स्ट भी बना लेना है। इसमें मैंने थोड़ा डिज़ाइनिंग करी हुई थी, इसमें कुछ नहीं है, 2 उल्टे 1 सीधा, इस 2 उल्टे और 2 सीधे। तो देखिए ये भी बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें भी हमें पोर्शन को छोड़ना होता है और लास्ट में हमें इन दोनों पोर्शन को जॉइंट करना होता है। आप चाहें तो इसको स्टिच करके भी जॉइंट कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आता है। तो इसलिए इस जब आप जॉइंट करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो उल्टा सीधा ऐसा कुछ ना हो जाए, बिल्कुल ध्यान से इन दोनों को आप जॉइंट करें। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके वजह से सुई से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से ले लिया है मैंने, और दोनों सिलाइयों को साथ में लेते हुए अब मैं इनके घर को घटा लूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से ठीक से यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप सुई से भी इनको एक साथ ले सकते हैं और आप चाहें तो सिलाई से भी इनको घटा सकते हैं, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी तरह से हम पूरा जो हमारा ये फंदे हैं, ये टोटल 28 हैं, 1 by 1 लेते हुए हम इनको कम कर लेते हैं। तो इस तरह से साथ में जो है जॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए लगभग जो है गला हमारा बनके तैयार हो गया है। लास्ट में इसको गांठ मार लें और ये हमारा देखिए गला बनके तैयार हो गया है। ये हमारा सीधा वाला पोर्शन है और ये हमारा उल्टा वाला है, क्योंकि ये कॉलर जो है इस तरह से आएगा डबल होके और ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी पीछे वाले पोर्शन में।
तो इस तरह से ये जो गला है देखिए, इस तरह से हमारा बन जाता है। स्वेटर भी हमारी बनके तैयार हो गई है। चलिए पहले मैं इसकी स्टिचिंग आपको बता देती हूँ। तो देखिए गला हमारा बनके तैयार हो गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बनाया बताया था, थोड़ा छोटा हो गया था इसकी वजह से, फिर से मुझे इसको बनाना पड़ा, थोड़ा सा टाइट हो रहा था इसकी वजह से। तो फिर से मैंने इसको नीचे से लेके स्टार्ट किया और फिर मैंने इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं डाली और मैंने इसको उल्टा उल्टा बुना है सीधे। अब जो ये देखिए पीछे वाला पोर्शन है, इसको हमें गले से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, सुई की मदद से हम इसको कर लेते हैं स्टिच। देखिए ये गला हमारा बनके तैयार हो गया, जिसके आपको दिख रहा होगा। अब मैं ये जो स्वेटर है, इस पूरे स्वेटर को स्टिच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। ये एक फुल लेंथ की स्वेटर है जो कि जेंट स्वेटर है, निट है, डबल ऊन से बनाई गई है। ये जो ऊन है ये मैंने ली है वर्धमान की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डाला है, इसमें 100 घर हैं और इसके पीछे वाले जो एरिया है उसमें भी 100 घर मैंने या 100 फंदे डाले हुए हैं। तो ये इसका आगे का पोर्शन है। तो इसमें नॉर्मली जैसे कि बॉर्डर हम लोग डालते हैं, ये उसी तरीके का नॉर्मल बॉर्डर इसमें डाला हुआ है, एक सीधा और एक उल्टा। और उसके बाद मैंने जो बनाई है ये 9 नंबर की सिलाई से बनाया है, ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उसके बाद यहाँ पे कोई भी घर बड़े नहीं है, क्योंकि आजकल की स्वेटर्स प्लेन इसी तरह से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक नॉर्मल सा डिज़ाइन है, आई थिंक आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहा होगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो सीधे और एक उल्टा, दो सीधे और एक उल्टा, इस तरह से है ये। और बाकी ये इनमें जो बीच में स्पेस है वो 8-8 फंदों का स्पेस है बीच में, और उसमें हमने एक फंदा बीच में सीधा बना हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह का डिज़ाइन हमारा आ जाता है, जो कि उल्टी तरफ से हमें इस तरह का कुछ दिखाई देता है। तो अब हम बात करते हैं इसके पीछे के साइड की। तो फ्रेंड इसका जो पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी सेम है, सेम बॉर्डर के साथ, और उतना ही हमने इसकी जो लेंथ ली है बॉर्डर की सबकी बराबर है। जो मैंने यहाँ हाथ में भी ली है ये बाजुओं में, ये भी बराबर ही है। तो जो पीछे का पोर्शन है वो भी सेम 100 फंदे के साथ है, बट इसमें मैंने यहाँ पे 16 बीच में छोड़े हुए बड़े बड़े कॉलम्स लिए हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं और ये आपके स्वेटर को थोड़ा सा ग्रिप भी देते हैं और दिखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें भी बीच में 16 फंदों को छोड़ के बीच में एक हमने उल्टा फंदा बनाया हुआ है, जो कि इस तरह से बनना है आपको पिछले साइड में, और ये पूरा ऊपर यहाँ तक सेम टू सेम है, जहाँ पे कि हमारे बाजू के लिए फंदे छोड़े जाते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने फंदे कट किए हैं वो कट किए हैं 5-3-2-1 सेम। इसी तरह से मैं बाजू में भी कट करती हूँ फंदों को। ये पीछे का पोर्शन है जो कि सेम आएगा। अब ये है इसका नेक, दिख रहा होगा आपको इस तरीके का नेक होता है काफ़ी ज़्यादा, इससे पूरा जो आपका नेक का एरिया है वो कवर हो जाता है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए ये मैंने एक्चुअली पहले स्टार्ट कर दिया है,
अगर आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इसको नीचे से स्टार्ट करें, अगर थोड़ा कम ले रहे हैं तो आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये हमने बाजू के लिए फंदे छोड़ दिए हैं सेम हाइट नाप के पीछे की और आगे की। तो इसको बनाने के लिए पहले ये पोर्शन जो है अलग बिनना पड़ता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो मैंने लिए हैं ये टोटल जो है हमारे 28 फंदे हैं। इस पोर्शन को हम बाद में बिनते हैं गले के लिए। तो इसको बनाने के लिए सीधे ये जो है उल्टा उल्टा बिनना है दोनों साइड से। इसमें आप चाहें तो एक डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। और ये सेम टू सेम इसी तरह से बिना जाएगा, सेम ये ऊपर को चला जाता है यहाँ तक। जब आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है कंधे वाला, जितना भी आपका हो, मैंने यहाँ पे लिया था अपने हाथ के हिसाब से और 4 एक्स्ट्रा फिंगर लेके, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जिस भी नाप का आपको बनाना हो। उसके बाद ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा लिया है और इसमें हमने करी है सिलाई लास्ट में। इन दोनों जो पेस होते हैं हमारे, इन दोनों को हम सिल लेते हैं लास्ट में, क्योंकि ये इस तरह से पलट जाता है तो ये दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद सेम टू सेम ये वाला पोर्शन बुनना होता है, बट हमें यहाँ पीछे से फंदे लेने होते हैं सेम, जैसे इसमें 28 लिए हैं तो पीछे से हमें 28 लेना होता है। बाकी सेम पोर्शन हमारा गले में बनता है और लास्ट में ये हमारा जॉइंट हो जाता है। तो ये हमारा बन गया गला। अब ये है बाजू, जो मैंने बाजू बनाए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने टोटल लिए हैं 45 फंदे और धीरे धीरे करके इनको बढ़ा दिया। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, सेम यहाँ पे 8 फंदे लिए हैं और एक उल्टा, और बाकी जो हमारे घर बड़े हैं वो इस तरह से 2 सीधे 1 उल्टा मैंने इसमें कैप्चर कर लिया। इससे क्या होता है कि ये श्रिंक हो जाता है और जहाँ पे स्ट्रेच होना होता है वहाँ पे अपने आप ही स्ट्रेच हो जाता है, देखिए इस तरह से। तो इसमें सफाई काफ़ी ज़्यादा आती है। और जो लास्ट में मैंने फंदे लिए थे वो लिए थे टोटल 100, और 100 के बाद फिर से मैंने यहाँ पे कटिंग करी है। कटिंग मैंने सेम टू सेम करी है 5-3-2-1 की इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है इसकी फिटिंग जो होती है बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारी जो स्वेटर है ये बन के तैयार हो गई है। तो जो ये नेक है ये इस तरह से कुछ फोल्ड हो जाता है और ये वाला जो है शो नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारी स्टिचिंग होती है ये दब जाती पीछे की तरफ, और इससे आपका जो पूरा गला है पूरा ही बंद हो जाता है। तो फाइनली हमारी स्वेटर जो बनके हो गई है तैयार।